अरे हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भी मांगते, हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भी मांगते। कोई भी हम आते हमारे भी बच्चे हैं। मैं आपको एक बात समझा रही हूँ, अगर ये वाली एडमिनिस्ट्रेशन में आप ओवर अप्रोच करिए, यहाँ बच्चे वहाँ पे जाएंगे, जम्मू पहले जाने का खर्चा होगा, वहाँ पे जाके पूरा देखोगे तो डे हमारा वेस्ट होगा। लेकिन यहाँ से अगर हमारे साथ, आपको भी हमारा साथ देना चाहिए, मेल्स भी करिए, आप हमारे सपोर्ट भी होंगे। नहीं हम आपका रोड बंद करने के लिए, ये हमारा स्टूडेंट नहीं है, रोड बंद करने के लिए आपको सर एसएफ का तो रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। क्या करना है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, अपना हमारी जो समस्या है वो जाहिर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। सर आप इसको टारगेट कर रहे हो, सर आप इसको टारगेट कर रहे हो, आप बाकी को भी देख रहे हैं। हमारा ये मतलब नहीं है, हमारा किसी को भी टारगेट करने का मतलब नहीं है। ये रिप्रेजेंटेशन दी जाती है यार, कितनी बार दें सर, आपको बता दें सर, आप बताने करना है ना, कितनी बार दें, एक बार थ्रू करना है, वो फैकल्टी के थ्रू करना है, वो ये थोड़ा है कि सड़क पे आएगा वाइस चांसलर तो आकर के आपकी बात मानेगा। बड़ी बहस कर रहे हो, बहस कर रही है, ये मत करो, आप पूरा रोड ब्लॉक किया, कल को इमरजेंसी है, एम्बुलेंस आती है, हम जाने देंगे, सबसे पहले हम नागरिक है, हम पता है ना, हमें हम जाने देंगे, वो आगे हमारे हमने अपने कंट्रोल रूम को बता देना है, ये ऐसे ऐसे हुआ है, आपकी रिपोर्ट बराबर चैनल ऊपर पहुंचा रहे हैं, कंट्रोल रूम को बता दी। कॉलेज प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, हमारे साथ नहीं है, जो जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ है। अगर हमारे साथ होता तो हमें सपोर्ट करता, बच्चों को सपोर्ट करता, जो हमारी डिमांड है वो जेन्युइन डिमांड है। अगर ये जेन्युइन डिमांड नहीं है तो हम इसी वक्त यहाँ से उठ जाएंगे, हमें कोई मजबूरी नहीं है, हमें कोई मतलब हमें शौक नहीं है प्रोटेस्ट करने का। अगर जेन्युइन डिमांड नहीं है, आप सभी से पूछ सकते हैं, जो सभी बच्चे बैठे हैं, जे कोई नहीं सुन रहा सर मेरी बात, हम क्या करें, हम इतने मजबूर हो चुके हैं, हम क्या करें बताओ। पुलिस आती है वो हमें ज़बरदस्ती करके उठा देती है, प्रिंसिपल आती है हमारी वो आश्वासन दे के उठा देती हैं, यूनिवर्सिटी हमारी बात नहीं सुन रहा। अरे हम जाए तो जाए कहाँ, क्या करें, हम मजबूर हो चुके हैं, बच्चे का एक एक साल भविष्य खराब हो रहा है। जे हमें कह रहे हैं कि आप पढ़ो, पढ़ के नौकरी मिलेगी, पढ़ेंगे कैसे, अगर एडमिशन ही नहीं मिलेंगी तो पढ़ेंगे घर पर, पढ़ेंगे घर पर डिग्री मिलेगी, हम कहाँ पढ़ेंगे सर बताओ। हमने ऐसे भी देखे कि बच्चे जो है भविष्य खराब हो जाता है, वो सुसाइड भी कर जाते हैं, सुसाइड कर देते हैं, नशे करने लग जाते हैं सर, नशे कैसे पढ़ते हैं, नौकरियाँ नहीं मिलती, बच्चे फ्रस्ट्रेशन में डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, नशे कर जाते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है बताओ, जो हमें जहाँ से उठा रहे हैं वो उनके जिम्मेदार हैं, कौन है जिम्मेदार, जम्मू यूनिवर्सिटी उसका जिम्मेदार है, जिस सरकार है सरकार उसकी जिम्मेदार है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन अंदर बैठा है प्रिंसिपल, ये जिम्मेदार है, कौन है। अगर कल को यही बच्चे इनको नौकरी नहीं मिलेगी, जो कल को सुसाइड कर लेंगे कौन जिम्मेदार होगा, कल को नशे करेंगे, ड्रग्स चलेंगे, किसी मतलब गुंडागर्दी करेंगे, क्राइम इतना बढ़ जाएगा, कौन जिम्मेदार है उसका बताओ आप। हम मजबूर हैं, हमें कोई शौक नहीं है, जय पता नहीं क्या सोचते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, पता नहीं क्या सोचते हैं कि हमें पता नहीं शौक है जहाँ गर्म गर्म धूप में लुक पे रोड पे बैठने का, हमें कितने मजबूर हैं, अगर ये जाना चाहते तो हमारे साथ बैठे जहाँ पे, देखो कितनी मजबूरी है, हमें कितना ये कितनी हीट निकल रही है जहाँ से, हमें कोई शौक नहीं है, जो भी आता है हमें दबाने की कोशिश करता है, चाहे वो सरकार है, सरकार भी हमें दबाने की कोशिश करती है,
एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें दबाने की कोशिश करता है, जम्मू यूनिवर्सिटी भी हमें दबाने की कोशिश करती है, जो पुलिस प्रशासन भी हमें दबाने की कोशिश करता है। किससे? काले प्रशासन से यही अपील है, मतलब उन्होंने तो हमें आश्वासन दे रहे हैं, हमारा तो यही है कि हाँ जम्मू यूनिवर्सिटी में दबाव बनाया जाए। कॉलेज के हाथ में वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं है, लेकिन ये कर सकते हैं अपने से, जो एडमिशन बंद कर दें, यहाँ पे एडमिशन नहीं लेने दे कि हम जब तक रूल बंद नहीं होगा हम एडमिशन कमेटी नहीं बिठाएंगे। जय क्यों नहीं विरोध प्रदर्शन करते, पेन डाउन प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते कॉलेज वाले? इनके पास भी प्रोटेस्ट का अधिकार है। अगर ये इतना ही लगाव है हमारे साथ तो पेन डाउन स्ट्राइक क्यों नहीं करते? जब इन पर कोई समस्या आती है तो जब तब पेन डाउन स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं, तो जब हमारे ऊपर स्ट्राइक है, हमारे ऊपर समस्या है, तो हमारा समर्थन क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ एसी कमरे बैठने में थोड़ी हाल होगा, रोड पे भी उतना पड़ता है। एसी कमरे में बैठ के चार दौरे के अंदर जो डिस्कस हो रहा है, हमें क्या पता क्या हो रहा है? आपको पता है, आप सभी मीडिया वाले हो, आपको पता है कि कल परसों में मीटिंग हुई है, इसमें क्या हुआ है? किसी को नहीं पता होगा, किसी लोग को, किसी आम जनता को तो कुछ भी नहीं पता है, हमें भी नहीं पता। एजुकेशन सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में हाय हो ही नहीं करना। जम्मू यूनिवर्सिटी के पुरतोते हैं, जो वो काम कर रहे हैं उसमें मुर्दाबाद बनता है, तो आप सभी जोर से जोर लगा के मुर्दाबाद बोलिएगा, ना कि हाय हाय बोलिएगा। जम्मू यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद, जम्मू यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद, जम्मू यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद, जम्मू यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद। अरे जम्मू यूनिवर्सिटी शर्म करो। अगर आपकी अभी भी कोई डिमांड है, मैं कह रहा हूँ ऐसे प्रेजेंटेशन मेमोरेंडम बनाओ, जिससे आपके पास जाते हैं वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे। चार बार दे चुके हम, कोई बात नहीं, फिर क्या होगा? चार बार तो यही काम रह गया कि हमें बार बार मेमोरेंडम ही देते रहेंगे। ये पॉलिसी मैटर है, उसमें चेंज लाना है, तो बात करके होगा, रोड ब्लॉक करके। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। कैसे होगा सर सॉल्यूशन? ये पढ़े लिखे लड़कों का ये काम नहीं है यार। आप रोड पर लड़ रहे हो, आप के लिए जो हक के लिए लड़ रहा है, जो हक के लिए लड़ रहा है वो। मेरी बात सुनो, सॉरी टू इंटरप्ट, सुनो, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, हमने मेमोरेंडम, मेरी बात सुनो, मैं समझ गया हूं, ये मैटर बैकलॉग्स का है, बैकलॉग का मैटर है, आप लोगों की बैकलॉग है, बैकलॉग का मैटर नहीं है सर, फिर से बहाल करने की मैटर है। मेरी बात सुनो, ये डेलिब्रेशन का मैटर है, वहाँ पे जाके बात होगी। हाँ तो रहा हूँ, दो तीन लोग चलो, डीसी साहब के साथ बात करते हैं, आप रिटर्न में मेमोरेंडम रेडी करो, वहाँ पे चलो। ये दिस इज नॉट द वे। बात हुई है, वो कह रहे काला ऑर्डर निकल जाए, किसी का ठीक है, ये बात लिखा था मैं तो मीडिया देख रहे हैं सर, अपना नाम, अरे एक मिनट, मीडिया देख रहे हैं सर, एक मिनट, अपना नाम, डेजिग्नेशन, ये बात हम मीडिया में अपने नाम डेजिग्नेशन के साथ बोल रहे हैं, अपने नाम और डेजिग्नेशन, ये बात है मीडिया में, एक मिनट, मीडिया में आप क्या, एक मिनट, आप क्या, मैं सिर्फ मेंबर हूं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आपकी बात सुनिए, मैं सर, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मेरे कहने पर नहीं करूंगा सर, एक मिनट, मीडिया, मीडिया, सर क्या मीडिया का, आपके कहने पर मीडिया नहीं बोल रहा, इसका मतलब झूठ है, मैं कह रहा हूं सच है, बताओ मीडिया, सभी सभी चुप, मीडिया वाले से बात करूं, मेरे कहने पर की, मीडिया वाले को बात करूं, अच्छा बात हुई है, अभी डिप्टी रजिस्ट्रार है सुमिता शर्मा, उन्होंने कहा है कि कल होपफुली ऑर्डर निकल जाएगा इन बच्चों का, फिर सेमेस्टर की एडमिशन का कल ऑर्डर निकल जाएगा, उसमें थोड़ी चेंज होगी, थोड़ी चेंजेस क्या रहेंगी? रिलीफ जो आपने बोला वही चेंज आएगी और क्या मुर्दाबाद हम जा रहे हैं अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन से जो आश्वासन हमें मिनिस्टर से मिला है कि उनसे उनकी जो रजिस्टर्ड है उनकी मीटिंग हुई है, उनसे बात हुई है कि कल नया इसके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो हमारी डिमांड है वो फिलफिल हो जाएगी, वो मानी जाएगी, तो हम कल का वेट कर रहे हैं,
कल को अगर फिर से जम्मू यूनिवर्सिटी का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तो हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर गए हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम किसी लाठी और किसी से भी डरने वाले नहीं हैं। हम आपको बता दें कल तक अगर हमारे हक में बात नहीं आती, नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो SAF स्टूडेंट एक्शन फ्रंट फिर से सड़कों पर उतरेगा और इससे भी ज़्यादा संख्या भी उतरेगा। जो आप गुंडागर्दी कर रहे हो, इस गुंडागर्दी के खिलाफ भी जवाब दिया जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जम्मू यूनिवर्सिटी मुर्दा।